प्रधानमंत्री मोदी कल सदन में आंकड़ों का ऐसा हेर फेर कर गए जिसे लेकर विपक्ष और तमाम बुद्धिजीवी उन पर जमकर निशाना साध रहे हैं। दरअसल पीएम ने नल से जल योजना के लाभार्थियों का जो आंकड़ा उच्च सदन में बताया वो लोकसभा के आंकड़ों से मेल नहीं खाता है, इसलिए अब इन आंकड़ों की चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। चलिए आपको सुनाते हैं प्रधानमंत्री के आंकड़ों से जुड़ा बयान उन्हीं की जबानी। आदरणीय अध्यक्ष जी, आजादी के 75 साल बीत गए, 8 करोड़ परिवारों को आज नल से जल मिला है, 11 करोड़ घरों को नल से जल मिल रहा है। तो वीडियो में आपने देखा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर निम्न और उच्च सदन में नल से जल योजना के आंकड़े बता रहे हैं। पहली क्लिप लोकसभा संबोधन के दौरान की है और दूसरी राज्यसभा की। लोकसभा में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने बताया कि आजादी के 75 साल बीतने के बाद आज 8 करोड़ लोगों को नल से जल मिल रहा है। वहीं राज्यसभा में इसी योजना के आंकड़े बताते हुए प्रधानमंत्री ने दावा किया कि 11 करोड़ लोगों को नल से जल योजना का लाभ मिल रहा है। गोदी पत्रकारिता के जमाने में निष्पक्ष रिपोर्टिंग किसी चुनौती से कम नहीं। हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब ऐसे में तमाम विपक्षी नेता और बुद्धिजीवी ये सवाल उठा रहे हैं कि मोदी ने महज एक दिन में इतना विकास कैसे कर दिया, कि जिस योजना के लाभार्थी लोकसभा में 8 करोड़ थे वो राज्यसभा में 11 करोड़ कैसे हो गए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री के दिए आंकड़ों पर तंज कसते हुए कहा, बस इतनी ही तेजी से उनके मित्र की संपत्ति बढ़ती गई। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुनेत ने इन आंकड़ों के हेर फेर पर कटाक्ष करते हुए कहा, साहब का कंपटीशन नीरज चोपड़ा से है। पत्रकार पुनीत कुमार सिंह ने आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा, मोदी जी के हिसाब से कल 8 करोड़ लोगों को नल से जल मिला था और आज 11 करोड़ लोगों को नल से जल मिला है। इतना तेज विकास मोदी जी के ही राज में हो सकता है, बाकी आप समझदार हैं। इसके साथ ही तरुण तेवतिया ने पीएम के दोनों बयानों का वीडियो शेयर करते हुए कहा, एक दिन में 3 करोड़ परिवारों को जल कैसे मिल गया समुद्र देव। दोस्तों, एक तरफ जहां लोग प्रधानमंत्री के इन आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं उनके समर्थक पीएम के बयान को सही ठहराते हुए दावा कर रहे हैं, 2014 में इस योजना के लाभार्थी 3 करोड़ थे और 2014 से 22 तक इस योजना में 8 करोड़ लाभार्थी और शामिल हुए हैं। अब दोनों आंकड़ों को मिलाकर यह संख्या प्रधानमंत्री के कहे मुताबिक 11 करोड़ हो जाती है। दोस्तों, आप प्रधानमंत्री के इन आंकड़ों पर क्या सोचते हैं? क्या आंकड़ों में वाकई कोई हेर फेर है या मोदी समर्थकों का गणित ज्यादा सही है? आप हमें अपना जवाब वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।